गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपको 12th बोर्ड की जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं और हम पढ़ रहे हैं हेलमिंथक जनित रोगों के बारे में, अर्थात हम कर्मियों के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एस्केरिस के अंडे दूषित जल या दूषित भोजन के द्वारा व्यक्ति की आंत में पहुंच जाते हैं और उन अंडों से लार्वा निकलकर आंत में छेद करके हार्ट तक, लंग्स तक, ब्रेन तक और यहां तक कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वहां तक पहुंच जाते हैं और किस प्रकार से व्यक्ति को वो रोगी बना देते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम सेकंड नंबर के रोग के बारे में पढ़ेंगे, गर्मी के द्वारा होने वाले दूसरे नंबर के रोग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा रोग है वो है गिनी कृमि रोग। इसे इंग्लिश में ड्रैकन कोलोसिस रोग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यह ड्रैकन कुलस द्वारा उत्पन्न रोग है। ड्रैकन कुलस क्या है बच्चों? एक कृमि है। कृमि क्या होता है? ऐसे लंबे जो पतले जो कीड़े जैसे जो जीव होते हैं ना, धागे नुमा जो रोग फैलाते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें कृमि कहते हैं। तो यह ड्रैकन कुलस द्वारा उत्पन्न रोग है। इस कृमि को गिनी कृमि या नारू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह मनुष्य में विशेषतः बाहों में, जो बाहें होती है ना, ठीक है, टांगों वे कंधों की त्वचा की परतों के नीचे रहता है। देखिए, जो व्यक्ति है ना, जैसे आप ये समझ लो ये कि कोई रोगी है, उस रोगी का ये कोई त्वचा है, तो त्वचा के नीचे पाया जाता है, त्वचा के अंदर रहता है, ये मांसपेशियों के अंदर यहां वहां घूमता रहता है। आ रही है बात आपको समझ में? देखिए लक्षण, देखिए मैं आपको है ना इस चित्र को समझाने के लिए अच्छे अच्छे डायग्राम भी दिखाऊंगा। हो सकता है कुछ डायग्राम आपको बहुत ही भद्दे लगे, लेकिन अगर रोगों के बारे में समझना है ना तो पढ़ना तो पड़ेगा। और हाँ, आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, लक्षण देखिए आप। अंडपूर्ण मादा जब भ्रूण को मुक्त करने के लिए जब मनुष्य की त्वचा से बाहर निकलने का प्रयास करती है तो उस स्थान पर सर्वप्रथम खुजली या जलन होती है। इस जगह मादा कर्मी द्वारा स्त्रावित विषैले पदार्थ के कारण त्वचा पर एक छोटा सा फफोला या छाला बन जाता है। छोटा सा क्या बन जाता है? एक फफोला या छाला बन जाता है। सबसे पहले तो मुझे पता है अभी ये बात आपके ऊपर से निकल गई होगी, समझो पहले। देखो, एक व्यक्ति है जिसने माना कि है ना जल पिया या कोई भोजन किया, वो प्रदूषित था और उस प्रदूषित जल या भोजन के अंदर थे गिनी कृमि के अंडे थे। अब वो गिनी कृमि के जो अंडे है ना वो पहुंच गए, कहां पहुंच गए गिनी कृमि के अंडे? वो पहुंच गए मानव की आंतों के अंदर। ठीक है, मानव की आंतों में पहुंच गए। अब उन गिनी कृमि के अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चे उस कर्मी के, जिसे लार्वा कहते हैं। आ रही बात आपको समझ में? और फिर क्या होगा बच्चों, कुछ समय पश्चात क्या होगा? जो ये लार्वा होंगे ना, ये बड़े हो जाएंगे, मानव का रक्त या मानव के मांसपेशियों से रक्त को अवशोषित करके या आंत में जो भोजन पचावा जो भोजन है ना उसको अवशोषित कर करके ये कर्मी बड़े हो जाएंगे। और फिर कहां पहुंच जाएंगे? आंत से धीरे 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 पहुंच जाएंगे मांसपेशियों में। और फिर कुछ समय पश्चात मालूम है क्या होता है? जो इसकी जो मादा होती है ना, वो अंडे देने के लिए, अंदर तो अंडे दे नहीं सकती शरीर के अंदर, तो वो क्या करना चाहती है? शरीर के बाहर निकलना चाहती है ताकि मैं अंडे दे सकूं। तो वो जब शरीर के बाहर निकलती है तो मांसपेशियों में छेद करके बाहर निकलने लग जाती है। देखिए यहां पर किस प्रकार से, जब देखो पहले इस बात को पढ़ो। देखो, अंडपूर्ण मादा जब भ्रूण को मुक्त करने के लिए मनुष्य की त्वचा से बाहर निकलने का प्रयास करती है तो उस त्वचा पर या उस स्थान पर सर्वप्रथम खुजली तथा जलन होती है और इस जगह मादा कर्मी द्वारा कुछ विषैला पदार्थ स्त्रावित किया जाता है जिसके कारण त्वचा पर एक छोटा सा फफोला या छाला बन जाता है। देखो ध्यानपूर्वक देखिए किस प्रकार से यहां पर आप देखिए छाला या फफोला बन गया। देखिए इसके पैर के ऊपर किस प्रकार से यहां पर क्या बन गया, फफोला या छाले का निर्माण हो गया। और इस फफोले या छाले ये क्यों बना है
क्योंकि जब मादा कृमि इसके शरीर से बाहर निकल रही थी ना, तो बाहर निकलते समय उसने क्या छोड़ा, मांसपेशियों के अंदर क्या छोड़ दिया, एक विषैला पदार्थ छोड़ा, जिसके कारण क्या बन गया, एक एक छाला या एक फफूले का निर्माण हो गया। आ रही बात आपको यहां तक समझ में, एक छाला या फफूले का निर्माण हो जाता है। आगे देखिए आप ध्यानपूर्वक, आगे क्या होता है देखिए, एवं मादा का अग्रसिरा बाहर निकलने लग जाता है। एवं मादा का अग्रसिरा क्या होने लग जाता है बच्चों, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, बाहर निकलने लग जाता है। देखिए ये कर्मी, देखिए किस प्रकार से, देखिए बाहर निकल रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक किस प्रकार से, आप देखिए किस प्रकार से पैर के अंदर से देखिए बाहर निकल रहा है। अब देखो एक डॉक्टर है, इसे खींच के निकाल रहा है, ठीक है। तो और देखिए आप ध्यानपूर्वक, ठीक है, अग्रसिरा एवं मादा कर्मी का अग्रसिरा बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है, बाहर निकलता है, ठीक है। कर्मी की त्वचा से बाहर निकलते से समय सामान्य स्थानीय दर्द एवं सूजन देखी जाती है। जिस स्थान से यह कर्मी निकल रहा है ना, उस स्थान पर क्या हो जाएगी बच्चों, सूजन उत्पन्न हो जाएगी। यहां पर देखिए ये कर्मी निकल रहा है यहां पर, और जो ये कर्मी जब इसके पैर से निकल रहा है ना, देखो कैसे सूज गया पैर, ठीक है, घाव हो जाता है, सूजन हो जाती है, वो छाला फट जाता है ना, तो वहां पर जब वो कर्मी बाहर आता है तो यहां पर क्या हो जाता है बच्चों, यहां पर घाव हो जाता है पैर पर, क्या हो जाता है पैर के ऊपर घाव हो जाता है। और देखिए और क्या होता है ध्यानपूर्वक आप देखिए, ठीक है, मादा का अग्रसिरा जब बाहर निकलता है तो कर्मी की त्वचा से बाहर निकलते समय सामान्यतया स्थानीय दर्द होता है। स्थानीय मतलब जहां पर निकल रहा है ना वहीं दर्द होगा, कहीं पर और जगह नहीं होगा, ठीक है ना। एवं सूजन देखी जा सकती है, सामान्यतया फोड़ा कुछ दिनों में ठीक भी हो जाता है। क्या हो जाता है, ये फोड़ा कुछ दिनों में ठीक भी हो जाता है। उपचार क्या है बच्चों इस रोग का, उपचार देखिए, उपचार रोग के उपचार के लिए कृमि को शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। शल्य क्रिया का मतलब क्या है, ऑपरेशन कर दिया, जैसे जहां पर कृमि है ना वहां से ऑपरेशन करके और चमड़ी को थोड़ा सा हटा के उस कृमि को हटा देते हैं वहां से, तो ऑपरेशन करके उसको निकाल सकते हैं। गांवों में क्या करते हैं, गांवों में नारू कृमि को जो त्वचा से बाहर निकला रहता है कैसे निकालते हैं, लपड़ी पर लपेटकर सावधानी पूर्वक धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, कर्मी के अंदर ही रह जाने की संभावना अधिक रहती है, और अगर कर्मी अंदर ही टूट गया ना तो वो अंदर ही अंदर सड़ेगा और विषैला पदार्थ उत्पन्न करेगा, जिसके कारण मांसपेशियों में कुछ घाव उत्पन्न हो सकता है। आ रही है समझो, इधर आप देखिए, सर्वप्रथम इधर आप देखिए, देखिए मादा कर्मी था, मादा कर्मी अंडे देना चाहती है, शरीर से बाहर निकलना चाहती है, ठीक है, तो विषैला पदार्थ उत्पन्न कर रही, जिसके कारण त्वचा में छाले उत्पन्न हो गए। फिर क्या हुआ, देखो छेद हो गया, छाला उत्पन्न हो गया, फिर ये छाला फूट गया, फिर देखिए ये इसका अग्रसिरा बाहर आ रहा है कर्मी का। अब क्या हो रहा है यहां पर देखो, गांव के लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ गांव के अंदर क्या किया जाता है, जो ये कर्मी होता है ना इसको लकड़ी के ऊपर लपेटकर धीरे धीरे लकड़ी को घुमाकर सावधानी पूर्वक इसे बाहर खींचकर निकालने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस विधि में कभी कभी क्या होता है, कर्मी टूटकर अंदर रह जाता है तो परिस्थिति और घातक हो सकती है। ये डॉक्टर देखिए सही तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे ऑपरेशन करके इसको खींचकर निकाल रहा है, ठीक है। तो ये सभी क्या इसके उपाय हैं। साथ ही साथ क्या करना चाहिए, आसपास स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए हमें, वातावरण को बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए, और पानी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए जिससे ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस के जो अंडे हैं वो नष्ट हो जाए। तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको गिनी कर्मी रोग के बारे में या ड्रैकनकुलोसिस के बारे में पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। ड्रैकनकुलोसिस किसके द्वारा हो रहा है, ड्रैकनकुलस कर्मी के द्वारा हो रहा है। गिनी कर्मी भी कहते हैं, नारू कर्मी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहां से निकलता है, देखो यह मनुष्य कहां पर संक्रमण करता है, ज्यादातर शरीर में, बाहों में, टांगों में, कंधों की त्वचा में, परतों के नीचे ये रहता है, ठीक है। क्या होता है भैया इसके अंदर, जब मादा अंडे देने के लिए शरीर से बाहर निकलती है मानव के, पहले तो मानव ने प्रदूषित भोजन कर लिया, प्रदूषित जल पी लिया, तो अंडे अंदर पहुंच गए, अंडों से लार्वा निकल गया, लार्वा बड़े हो गए, फिर वो लार्वा बड़े हो गए, फिर मादा जो है वो अंडे देना चाहती है, जब बड़ी हो गई, बड़े हो गए, बोलेगी मैं तो बच्चे पैदा करूंगी, अंडे दूंगी, अंडे देने के लिए बाहर निकलना चाहती है तो मांसपेशियों में छेद करके बाहर निकलती है, तो वहां पर घाव हो जाता है। यही होता है इस रोग के अंदर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको गिनी कर्मी रोग या ड्रैकनकुलोसिस के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट रोग के बारे में पढ़ेंगे। सभी को राधे राधे, सभी को टेक केयर।